वेलकम ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ। सब्जेक्ट मैथ में हम लोग बात करते हैं 13.5 पर। 13.5 में क्या दिया? वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ। क्या दिया? वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का देखिए फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। ठीक, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वैल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एजेज क्यूब होता है। मीन्स 3 एजेज होती हैं तो एजेज का क्यूब होता है। तो इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो 13.1 पर हम लोग देखते हैं, 13.5 पर सॉरी 13.5 में देखिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट दिया है। फर्स्ट आपको क्या कहता है, फर्स्ट आपको देखिए क्या लिखा है, आप मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वैल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेन 12 सच बॉक्सेस। हमको क्या दिया है, ये देखिए हमको यहाँ आपकी दी हुई है, लेंथ दी है, ब्रिथ दी है और हाइट दी हुई है, दी है। तो हम वैल्यूम ऑफ क्या निकाल देंगे, वैल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, बॉक्स का निकाल लेंगे। ओके, तो वैल्यूम ऑफ बॉक्स का निकालेंगे तो आपका क्या दिया है, इसका सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट होती वैल्यूम ऑफ बॉक्स का, तो आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, फिर हमको क्या लिखना है, वैल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्स का क्या, 15 इंटू 12, तो आपका यहाँ से क्योंकि हमको 12 बॉक्स का निकालना है तो 15 12 किया तो आप 180 सेंटीमीटर आ गया। तो हमका क्या कर देना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा, रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको लिख देना है 10 द रिक्वायरमेंट वैल्यू ऑफ पैक ऑफ 12 बॉक्सेस इज को 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है, क्यूबॉइडल वेसल इज द 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर विड्थ एंड हाउ हाइट मस्ट बी मेड ऑफ द होल्ड 380 क्यूबॉइड मैटर ऑफ द लिक्विड। तो इसमें कहता है देखिए लेंथ दी है और ब्रीथ दी है आपकी, हाइट यहाँ से हमको निकालना है। ठीक है, और आपका उसका क्या दिया है, कैपेसिटी दी हुई है 380 दी हुई है। तो आपको एच की वैल्यू निकालना है, तो देखिए आपका ये इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएंगे, तो एच इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से यच इक्वल 380 अपन ये हो जाएगा। तो मीन्स आपका जब डिवाइड कर देंगे 0 0 और ये आ जाएगा तो आपका 19/4 आए, मीन्स आपका 4.75 मीटर आ जाएगी हाइट आ जाएगी। तो इसकी हाइट आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हाइट आ जाएगी, तो हमको इसकी हाइट होगी। अब क्वेश्चन नंबर इसी में फाइट दिया है, फाइव नंबर द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड टैंक इज द आपकी क्या दिया है, 50,000 लीटर ऑफ द वाटर। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक इज लेंथ ऑफ द डीप इज द, ये आपके लेंथ दी है और क्या दी है, गहराई दी, हाइट दी हुई है। तो क्या क्या इसमें दिया है, एल दिया है और एच दिया है, हमको क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। तो देखिए आपका वैल्यूम ऑफ वाटर का ये दिया है, आपका दिया है 15,000 लीटर। तो आपका ये लीटर में दिया तो इसको हम लोग किस में मीटर कन्वर्ट करने के, 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपका 50 मीटर क्यूब आ गया। वैल्यूम ऑफ टैंक इक्वल इक्वल एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ओके, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो हमको यहाँ से बी की वैल्यू निकालना है, एल और एच की दी है 2.5 × 10 दिया है, तो हमको बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका 50 ये दिया है। तो इधर देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे तो आपका ये आपका 25 आई मीन्स आपका 2 मीटर हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट कितनी कम की, हमको 2 मीटर की होगी, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक ठीक, अब हमको देखिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह आपको 6 करना है, 7 करना है, 8 करना, 9 नंबर है, तो मैं आप लोगों को 9 नंबर बताया दे रहा हूँ। 9 नंबर क्या है, अराइव 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर विथ फॉलोइंग एट द रेट ऑफ द 2 मीटर पर आवर्स, हाउ मच वाटर विल बी इनटू द सी इन द मिनट। तो देखिए हमको इसमें निकालना है, क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द वाटर की स्पीड बराबर क्या होता है, 2 किलोमीटर पर आवर्स दी है, तो आपको कितना दिया है, 2000/60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट में निकालना है तो 60 से हम लोग डिवाइड कर दिया, तो हम लोग ये हो गया, तो 2000/60 इंटू 3 इंटू 40 हो जाएगा, तो जब करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, 4000 की आवश्यकता होगी। ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ सॉल्व कर दिया तो आपका 4000 आ गया। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब हो जाएगा रिक्वायरमेंट आवश्यकता होगी। ठीक, तो हमारा ये 13.5 कंप्लीट होता है। ओके, 13.5 के बाद हम लोग 13.6 पर
डिस्कस करते हैं। तो 13.6 में क्या दिया आपका, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया। क्या दिया, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिए हैं, तो आपका 13.6 में देखिए पाई की वैल्यू दी है, 22.7 यूज करना है। और आपका देखिए यहाँ दिया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज वेसल इज द 132 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द 25 सेंटीमीटर, हाउ मनी लीटर ऑफ द वाटर कैन बी होल्ड। यानी आपका कितने लीटर, एक आपका सर्कमफेरेंस आपका सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी 130 सेंटीमीटर क्या दी है, वेसल हाइट दी है 25 सेंटीमीटर, आप कितने लीटर में फुल होगा, होल्ड होगा। तो देखिए हमको कैसे निकालना है, बेस फार्मूला 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रख दिया इक्वल 132, तो आर की यहाँ से वैल्यू हमको चाहिए, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है आपकी, तो v इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो v की वैल्यू तो हमको निकालना है, r की वैल्यू 22 r की वैल्यू दी है 21 और पाई वैल्यू 22/7 इंटू 25 हो जाएगा। जब हम इसको फुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें आपको निकालना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। और आपका देखिए, अ सॉफ्ट ड्रिंक अ वेसल ऑफ द 2 पैक्स फर्स्ट दिया है एंड 3 कैन बी विथ अ रेक्टुंगुलर वेसल ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ द 15 सेंटीमीटर एंड क्या दिया है, तो सेकंड नंबर दिया है प्लास्टिक सिलेंडर विद द सर्कुलर बेस ऑफ द डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर विच ऑफ द टेनर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी बाय द हाउ मच। ओके, तो इसमें तो आना किसकी कैपेसिटी अधिक है, तो आपको जो गिवेन है तो उसको लिख देना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको 5 सेंटीमीटर एल की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है, एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है, सभी की वैल्यू दी है। इन द प्लास्टिक सिलेंडर की भी डायमीटर दी है 7 सेंटीमीटर, तो आर वैल्यू 7/2 हो जाएगी, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। वैल्यूम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ टिन, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी, तो आपका 13 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। इस तरह वैल्यूम कैपेसिटी प्लास्टिक सिलेंडर की हो जाएगी, क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो 22/7 7/2 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंट देने का किसमें अधिक आता है, तो देखिए इसमें 300 क्या आएगा, 85 आए, इसमें कितना आया 300 आया, तो इसमें अधिक आएगा किसमें, आपको सिलेंडर वाले में, तो आपका माइनस कर देगा 85 सेंटीमीटर, तो हमको लिख दें दस द ग्रेटर ऑफ कैपेसिटी 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, 13.6 हो जाएगा। ओके, तो 13.6 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।